Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am discussing with you all the criteria of qualitative research, in which I have already discussed reflexivity in qualitative research, and this time I am going to discuss authenticity in qualitative research. Okay, so let's start. क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग गुणात्मक अनुसंधान की हम बात कर चुके हैं. गुणात्मक अनुसंधान की क्या विशिष्टता है, वो कैसे क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक और परिमाणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है, और रिफ्लेक्सिविटी को क्या होती है, मतलब सब्जेक्टिविटी को किस तरह से आपने वैल्यू दी है, आपने किस तरह से सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, किस तरह से रिसर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग्स में, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये हम लोग बात कर चुके हैं. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑथेंटिसिटी, मतलब कितनी प्रामाणिक है क्वालिटेटिव रिसर्च. देखिए, जितने भी क्रिटिक हैं गुणात्मक अनुसंधान के, वो यही कहते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट एट ऑल अ रिसर्च, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल सिस्टमैटिक, यू आर नॉट predetermined anything, and you are not experimenting, you are not testing hypothesis and all. तो इस तरीके से सब इसके बारे में आलोचक बोलते हैं कि आप इसमें कोई परिकल्पना नहीं बना रहे हैं, आप इसमें कुछ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कुछ स्टैट्स नहीं लगा रहे हैं, आपने सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना है, और आप इसमें सिस्टम मतलब प्री प्लान नहीं है, सब कुछ पहले से नहीं तय है कि 0.05 के लेवल पे आप सही बताने जा रहे हैं, उतनी शुद्धता के साथ बताने जा रहे हैं कि 0.01 लेवल पे आप बताने जा रहे हैं, ये सब आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अनुसंधान ही नहीं कर रहे हैं. तो क्वालिटेटिव रिसर्च को जब ये आलोचनाएं सहनी पड़ी, जब इसका उद्भव हुआ, तो लिंकन इन वैसे बहुत लोगों के नाम ले जाते हैं, पर लिंकन गुबा की किताब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्वालिटेटिव रिसर्च समझने के लिए. और वो एक टर्म की बात करते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी रिसर्च है, आप इसको भी ट्रस्टवर्दी मान सकते हैं, बस यहाँ क्राइटेरिया जो है इवेल्युएशन का वो क्वांटिटेटिव से डिफरेंट है. तो ट्रस्टवर्दीनेस की बात करेंगे, और ट्रस्टवर्दीनेस ही आगे चलकर ऑथेंटिसिटी कैसे उसमें जुड़ती है ये बात करेंगे. और आपके कोर्स में भी है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें आपको यही सब बताना है, ऑथेंटिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी, उसके अलावा कम्युनिटी, वॉइस, सेक्रेडनेस, यही सब आपके में पॉइंट्स हैं. तो ट्रस्टवर्दीनेस से शुरू करते हैं कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि विश्वसनीय है क्वालिटेटिव, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, ट्रस्ट के लायक है. तो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टवर्दीनेस इन क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स डेमोंस्ट्रेटिंग, इन्होंने कहा, मतलब लिंकन गुबा ने हमको प्रपोज करके बताया कि चार उन्होंने हमको शब्दावलियां दी, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड कन्फर्मेबिलिटी. वो बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के सापेक्ष आप ये चार क्वालिटेटिव रिसर्च में तय कर सकते हैं, इनका मापन कर सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं, इनको एक मापदंड मान सकते हैं कि आपकी रिसर्च क्रेडिबल है कि नहीं, ट्रांसफरेबल है कि नहीं, आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं कि नहीं, और आप कुछ कंफर्म वहां से कर सकते हैं कि नहीं. सबके सापेक्ष मतलब क्वांटिटेटिव जो क्राइटेरिया है उनके सापेक्ष ये टर्मिनोलॉजी दी गई है. जैसे क्रेडिबिलिटी इंटरनल वैलिडिटी के लिए दी गई है, ट्रांसफरेबिलिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि जनरलाइज कर सकते हैं आप रिजल्ट, इसका मतलब आप क्वालिटेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके रिपोर्ट्स आएंगे, फाइंडिंग्स आएंगे. डिपेंडेबिलिटी इन प्रेफरेंस टू रिलायबिलिटी, यानी कि जैसे क्वांटिटेटिव में आप रिलायबल है टूल आपका, आपके जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है बार बार लगभग वैसे ही आ रहा है, उसी तरह से क्वालिटेटिव में इसके सापेक्ष टर्म दिया गया डिपेंडेबिलिटी. और कन्फर्मेबिलिटी ये ऑब्जेक्टिविटी के सापेक्ष दिया गया कि आप कितने व्यक्ति वस्तुनिष्ठ हैं, तो आप कितने कन्फर्म होकर कह सकते हैं ये बात, कितनी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं. तो ये चार टर्मिनोलॉजी हमको मिली. डिस्पाइट दीज ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया, इन जो ऑल्टरनेटिव हमने क्राइटेरिया बताया कि चलिए इंटरनल वैलिडिटी की जगह आप इसमें क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेबिलिटी की जगह ट्रांसफरेबिलिटी देख लीजिए, सॉरी रिलायबिलिटी की जगह डिपेंडेबिलिटी, और ऑब्जेक्टिविटी की जगह कन्फर्मेबिलिटी देख लीजिए. तो इन अल्टरनेटिव क्राइटेरिया के बावजूद लिंकन और गुबा के जो ने जो अपना मॉडल दिया उसको बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ी, और उनमें से एक प्रमुख आलोचना थी इथिकल आर्ग्यूमेंट. देखिए, जो सेक्रेडनेस की बात है आपके कोर्स में भी है, और जो इथिकल गाइडलाइन है, जो इथिकल इश्यूज हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में इमर्ज होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये ज्यादा इनका महत्व है, ज्यादा इन पर ध्यान देने की जरूरत है. क्यों? क्वांटिटेटिव में हम कोई इथिकल इश्यू इरेज ही नहीं कर रहे हैं,
हमने कुछ कोई ऐसी चीज ही नहीं पूछी है आपसे जो इसमें कोई इथिक्स इन्वॉल्व हो, डूज एंड डोंट्स हो, आपके कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। हम सिर्फ वहाँ आप गए, कितनी बार गए, आप कितनी बार जाते हैं, या आपने क्या आपका कौन सा कोर्स करे, मतलब कि वहाँ फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है ना, तो उसमें इथिक्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव में आप किसी से उसके संबंधों की बात कर रहे हैं, उसके अनुभवों की बात कर रहे हैं, उसके वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो मीनिंग मेकिंग कैसे करता है उसकी बात कर रहे हैं, उसके कल्चर की बात कर रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, और आप उससे वो डेटा निकाल रहे हैं जो वो शायद उसको 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 शेयर करने में मतलब यू कैन से कि वो कंफर्टेबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी है, तो ये भी कहा जाता है कि आप किसी के मन के तार उधेड़ के उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने उसको उधेड़ा है तो आपको उसको सेटल डाउन करना भी आप ही का काम है। तो ये इथिकल इश्यूज क्वालिटेटिव रिसर्च में इमर्ज होते हैं, क्योंकि वहां पे उस तरीके के रिलेशनशिप, उस तरीके के एक्सप्लोरेशन, उस तरीके की थ्योरी के इमर्जेंट की बात है जो कि क्वांटिटेटिव में नहीं है। तो इन ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया के अलावा इथिकल आर्ग्यूमेंट के लिए कहा गया कि ये क्राइटेरिया अभी कम है, इसमें कुछ और होना चाहिए। द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ ए क्वालिटेटिव स्टडी नीड्स टू बी जज्ड। उन्होंने कहा कि आप एक गुणात्मक अध्ययन की जो विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्थीनेस है, उसको और इस तरह से भी जांचिए कि वो कितना आप कह सकते हैं नैतिक है। इट इज डन अबाउट रिसर्च पार्टिसिपेंट। जो रिसर्च, देखिए आपसे कहा जाता है ना कि हम आपसे जो भी डेटा ले रहे हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए यूज करेंगे, किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब इथिकल कंसेंट है। तो रिसर्च पार्टिसिपेंट के प्रति आप कितने इथिकल हैं, अदर स्टेक होल्डर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी कितने इथिकल हैं, ये भी आपको ट्रस्टवर्थीनेस के क्राइटेरिया में होना चाहिए। इट वाज इन रिस्पॉन्स टू दीज क्रिटिसिज्म, मतलब इन आलोचनाओं के प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में लिंकन और गुवा ने पांचवा क्राइटेरिया भी जोड़ा, और पांचवा क्राइटेरिया क्या था, यही था ऑथेंटिसिटी, जिसको किया प्रामाणिकता कह सकते हैं, टू मोर क्लियरली डिस्टिंग्विश दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम पॉजिटिविस्टिक वंस। पॉजिटिविस्टिक का मतलब एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिक, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक का मतलब नेचुरलिस्टिक या क्वालिटेटिव। ये बात मैं आपसे पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के डिफरेंस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस तरह से ऑथेंटिसिटी का नया क्राइटेरिया लिंकन और गुवा ने जोड़ा, और इन्होंने जो ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया जोड़ा उसके पांच एलिमेंट्स हैं जो आगे आपसे डिस्कस किए जाएंगे। वॉज डेवलप्ड बाई ए कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रेडिशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रेडिशन क्या है, जो संरचनावादी जो पारंपरिकता है वो क्या है, वो यही है कि नॉलेज इज रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। ये क्वालिटेटिव वाले कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो सूचना है, जो ट्रूथ है, वो समय और स्थान के सापेक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी से मतलब किसी के सामने कुछ कह रहे हैं, दूसरे आदमी के सामने हो सकता है कुछ और कहें। क्यों, समय और स्थान बदल गया, उसके लिए हम उसके हिसाब से बात करें, इसके लिए इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो कैसे आप जज करेंगे कौन सी बात सही है कौन सी गलत। तो इस तरीके की जो बातें जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में उठती हैं। तो उन्होंने कहा कि पांच इसके तत्व हैं, और ये इस मूलभूत मान्यता पर आधारित हैं कि जो नॉलेज होती है वो रिलेटिव होती है टाइम और प्लेस के, सब्जेक्टिव मीनिंग्स मैटर करती हैं, जो कि क्वांटिटेटिव वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल दूर रखते हैं, बोलते हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना है, आपका सेल्फ उसमें इंक्लूड नहीं होना है, और क्वालिटेटिव वाले कहते हैं कि सेल्फ डिटैच होके तो काम ही नहीं हो सकता है। एंड दैट ट्रूथ इज ए मैटर ऑफ कंसेंसस Among informed and sophisticated constructors। उन्होंने कहा ट्रूथ यहाँ पे एक कंसेंसस है, एक जनमत हम बना रहे हैं जिसपे सभी लोग एग्री कर जाएंगे, वही ट्रूथ है। ठीक है, तो ये वो क्राइटेरिया हैं जो कि लिंकन एंड गुबा ने पहले बताए थे। कौन कौन से बताए थे, क्रेडिबिलिटी, कंफर्मेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इंटरनल वैलिडिटी के लिए है, कंफर्मेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी के लिए है, डिपेंडेबिलिटी रिलायबिलिटी के लिए है, और ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेशन के लिए है। क्वेश्चंस दैट अंडरपिन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी क्रेडिबिलिटी में आप क्या जांचेंगे, हाउ कैन वी अच्छा ये भी इधर आ सकता था, हाउ कैन वी बी कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रूथ ऑफ द फाइंडिंग्स, यानी कि जो निकल कर आ रहा है हम उसके लिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि हमने सही निकाला है। कन्फर्मेबिलिटी में हम ये ढूंढते हैं कि हाउ कैन वी बी सर्टेन, हम किस तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं दैट द फाइंडिंग्स हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सब्जेक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंक्वायरी रादर देन द बायसेस मोटिवेशंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो निकल कर आ रही है बात वो सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट की वजह से निकल कर आ रही है, ना कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके बायस से कोई बात निकल कर आ रही है। डिपेंडेबिलिटी में क्या ढूंढा जाता है, वुड द फाइंडिंग
things be repeated if the inquiry were replicated with the same or similar objects in the same or similar context. वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि अगर एक ही तरीके की इंक्वायरी को हम रिपीट कर रहे हैं लगभग एक जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आप उसके रिजल्ट्स जो है वो रिपीट होंगे, फाइंडिंग्स रिपीट होंगी. और ट्रांसफरेबिलिटी में ये देखा जाता है, कैन वी अप्लाई दीज फाइंडिंग्स टू अदर कॉन्टेक्स्ट और विद अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल. क्या इन फाइंडिंग्स को हम दूसरे लोगों या दूसरे समूह के लोगों पर भी इसी तरीके की फाइंडिंग्स आ सकती हैं. ठीक है, तो ये हो गया जनरलाइजेशन. तो बाद में इन्होंने ऑथेंटिसिटी जोड़ा कि हैव पीपल बीन चेंज्ड बाय द प्रोसेस टू व्हाट एक्सटेंट द इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्ट एक्शन. ये एक फर्दर एक स्टेप, एक एक्सटेंशन है ट्रस्टवर्दीनेस का ऑथेंटिसिटी, जो कहता है कि लोग कितने चेंज हो रहे हैं प्रक्रियाओं से. देखिए, जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसका चेंज से कोई लेना देना नहीं है, उसका एक्शन से कोई लेना देना नहीं. जो चीज जैसी है वैसी हमको शुद्धता के साथ बतानी है क्वांटिटेटिव में, जबकि क्वालिटेटिव में आप बातचीत कर रहे हैं, आपका निगोशिएशन है, आप एक लेवल पर आ रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ अंदर से एकदम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं. तो वो ये भी जांचना चाहेगा कि हाउ पीपल बीन चेंज, किस तरीके से उस प्रक्रिया के बाद लोग चेंज हुए, किस एक्सटेंट तक, किस सीमा तक आपकी इन्वेस्टिगेशन ने किसी कार्य के प्रति किसी को संवेदनशील बनाया, ये भी इसमें जुड़ जाएगा. तो ऑथेंटिसिटी क्या है? फॉन्ट एटल ने कहा कि ऑथेंटिसिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रस्टवर्दीनेस क्राइटेरिया, यानी कि ट्रस्टवर्दीनेस के जो चार थे, कंफर्मेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, उसी का विस्तार है. बिकॉज इट इनेबल्स क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड अबाउट हाउ इंटरप्रिटेशंस आर मेड एंड हाउ दिस प्रोसेस हैज इवॉल्वड. इंडीड The authenticity principle recognizes that inquiry and understanding are a process of learning, changing, negotiating and ultimately acting. वो कह रहा है कि जो authenticity प्रामाणिकता का सिद्धांत है, वो ये खोज करता है, वो ये पहचान करता है कि जो आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो एक तरीके से सीखने, परिवर्तन करने, आपसी सहमति पर पहुंचने और ultimately acting, यानी कि कार्यशीलता के का ही एक की एक प्रक्रिया है. For the authenticity principle, the evaluation research should recognize and promote the diversity of the value systems and people's constructions of the world, which change constantly as people interact with one another. Authenticity principle में एक वो ये कहता है कि मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो diversity of the value system में मैं हूँ, आप हैं, सबकी values अलग हैं, जो जितनी विभिन्नताएं हैं value में, मूल्यों में, वो पीपल्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, और हम इस जिस तरह से अपने संसार का निर्माण करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो वैल्यू सिस्टम को हमको प्रमोट करना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है. देयरफॉर द प्रिंसिपल टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स. हम क्या करते हैं, जो रेस्पोंडेंट जिससे हम उत्तर चाह रहे हैं, उत्तरदाता जो है हमारा, उसके हिसाब से क्या मूल्य है, उस हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे, उनकी आवाज को स्थान देंगे, उनकी विभिन्नता को सम्मान देंगे. देयर पोजीशनिंग एंड एम्पावरमेंट टुवर्ड्स अदर रेस्पोंडेंट्स एंड देमसेल्व्स. तो दूसरे उत्तरदाताओं के प्रति क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, सब ध्यान देना है. इन दिस प्रोसेस रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज रिसर्चर्स लर्न टू रेस्पेक्ट ईच अदर. इस तरह से अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वो आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान उनके मन में उत्पन्न होता है. टू सी द इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. क्यों? क्योंकि वो एंगल दूसरे परिदृश्य से, परिप्रेक्ष्य से समस्या को देख सकने में सक्षम हो पाते हैं, इश्यू को देख सकने में सक्षम हैं. एंड कॉन्स्टेंटली निगोशिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ. और इस तरह से सच तक पहुंचने के लिए, वो सच के निर्माण के लिए सहमति बनाने की कोशिश करते हैं. बेस्ड ऑन ए कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट इपिस्टेमोलॉजी, द मेन ड्राइव फॉर द ऑथेंटिसिटी प्रिंसिपल इज निगोशिएशन. अगर हम संरचनावादी अगर ज्ञान मीमांसा की बात करें, जो कि हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च उस पर बेस्ड है, तो वो कह रहे हैं कि जो प्रामाणिकता का सिद्धांत है उसका मेन ड्राइव, उसको चलाने वाला कौन है, यही जो सहमति की बात है कि निगोशिएशन ऑफ कंस्ट्रक्ट्स एंड वैल्यूज, जो कि संरचनाएं हैं, जो कि निकल कर आ रहा है, वो कंस्ट्रक्ट है, जो निर्माण है, जो मूल्य है, सब हमको निगोशिएशन से पाना है. तो ये पांच क्राइटेरिया बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच क्राइटेरिया जो कि ऑथेंटिसिटी के हैं. कौन कौन से हैं? फेयरनेस, फेयर होना चाहिए. द एक्सटेंट टू विच ऑल कॉम्पीटिंग कंस्ट्रक्शंस हैव बीन एक्सेस्ड, एक्सपोज्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट इन द इवैल्यूएशन रिपोर्ट, दैट इज इन द निगोशिएटेड इमर्जेंट कंस्ट्रक्शन. सबसे खास बात निगोशिएशन है, फेयर रहिए, आप सबका व्यू पॉइंट लीजिए, सबको देखिए. फिर ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी. ऑन्टोलॉजी हम लोग फिलोसफी से जानते हैं कि बीइंग के बारे में होती है, वर्ल्ड के बारे में,
the extent to which individuals constructions have become more informed and sophisticated. वो कह रहा है कि उस सीमा तक हमको ये इसकी परिभाषित किया गया है कि जो इंडिविजुअल ने जो भी कंस्ट्रक्ट किया है वो किस सीमा है बिकम मोर इन्फॉर्म्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, यानी कि अपने इर्द गिर्द के संसार के सापेक्ष हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो और इन्फॉर्म्ड और सोफिस्टिकेटेड होता है, किस सीमा तक है ये जांचना है। फिर एजुकेटिव ऑथेंटिसिटी का मतलब कि हम दूसरे लोग क्या सोचते हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वहां से भी शिक्षित हो रहे हैं। द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स हैव बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, हमको हमारी समझ और बढ़ रही है, इवन इफ नॉट मोर टॉलरेंट, अगर हम बहुत सहनशील नहीं हो रहे हैं तो भी हम और समझदार हो रहे हैं ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरे क्या निर्माण कर रहे हैं उनके लिए मीनिंग मेकिंग क्या है, उनके लिए कंस्ट्रक्शन क्या है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और कैटालिटिक ऑथेंटिसिटी का मतलब कि द एक्सटेंट टू विच एक्शन, जिसमें कि क्या होगा कि क्लैरिफाइंग दी फोकस एट इश्यू, मूविंग टू एलिमिनेट और एमिलियोरेट प्रॉब्लम्स, या तो हम प्रॉब्लम को सुधार रहे हैं या हम प्रॉब्लम को खत्म कर दे रहे हैं, शार्पनिंग वैल्यूज इज स्टिमुलेटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द इवैल्यूएशन, ये कैटालिटिक ऑथेंटिसिटी। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, उत्प्रेरक ना, मतलब बढ़ा देना, कह रहे ना स्टिमुलेटेड एंड फैसिलिटेटेड, तो वो स्टिमुलेट हो रही है और उसको सुविधा मिल रही है। और टेक्टिकल ऑथेंटिसिटी का मतलब द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स आर इम्पावर्ड टू टेक द एक्शन दैट द इवैल्यूएशन इंप्लाइज और प्रपोजेस, उस सीमा तक यानी कि इंडिविजुअल्स को आप इम्पावर कर दीजिए, उनको ये शक्ति दीजिए ताकि वो एक्शन ले सके, टू टेक द एक्शन दैट द इवैल्यूएशन इंप्लाइज और प्रपोजेस, यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो चीज निकल कर आ रही है जो जांच के बाद उसको हम इम्प्लाई कर सकें या प्रपोज कर सकें। तो फेयरनेस, आपको फेयर रहना है कि नेगोशिएशन को स्थान देना है। ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी यानी कि आपको इंडिविजुअल के कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। एजुकेटिव ऑथेंटिसिटी यानी कि और जो लोग हैं पीपल्स कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना है। कैटालिटिक ऑथेंटिसिटी मतलब कि जो आपको जो एक्सटेंड टू विच एक्शन इज स्टिमुलेटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द इवैल्यूएशन, यानी कि उसको बढ़ाना है उसकी गति को उसकी दर को। और टैक्टिकल ऑथेंटिसिटी का मतलब कि हमको इंडिविजुअल को इतना एम्पावर कर देना है कि वो एक्शन ले सके। तो ये इसी को लिख दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि पहला जो है वो डायमेंशन वो फेयरनेस है, विच दे सी इन्वॉल्व्स ए कोर डायमेंशन ऑफ बैलेंस, हम बैलेंसिंग बना के चलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू स्ट्रक्चर्स को हम अलाउ करेंगे। सेकेंड टू डायमेंशंस में क्या है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार का हमको चेतन अनुभव करना है। डेवलपिंग द सेकेंड डायमेंशन ऑफ ऑन्टोलॉजिकल ऑथेंटिसिटी कैप्चर्स द वे दैट एक्सपीरियंस अफेक्ट्स रिसर्च पार्टिसिपेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग। एजुकेटिव ऑथेंटिसिटी में अदर्स पीपल का अंडरस्टैंडिंग हमको देखना है, अदर पीपल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देखना है। और थर्ड डायमेंशन में एजुकेटिव हो गया कि नॉट ओनली देयर ओन अंडरस्टैंडिंग देयर चेंजेस बट ऑल्सो द एप्रिसिएशन ऑफ हाउ अदर्स व्यू द वर्ल्ड, है ना। और फोर्थ डायमेंशन में कैटालिटिक हो गया, इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू व्हिच एक्शन इज स्टिमुलेटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द इवैल्यूएशन, वही बात है। और टैक्टिकल ऑथेंटिसिटी में इवैल्यूएट्स द एक्सटेंट टू व्हिच इंडिविजुअल्स आर इनफैक्ट एम्पावर्ड टू टेक द एक्शन, वो वहाँ पे सारणीबद्ध है, यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, दोनों में बातें एक ही हैं। अच्छा मुझे लगा शायद एक और स्लाइड है। तो ऑथेंटिसिटी देखिए, जब आप ढूंढने चलेंगे तो आपको इसका आपको मैटर नहीं मिलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखें। तो ये पहले तो इसका मूल ये समझिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च की आलोचना होती है, उसको लोग जो एक्सपेरिमेंटल सोच वाले हैं जो साइंटिफिक चीजों को सही मानते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च को सही नहीं मानते हैं। तो इसलिए कि किस क्राइटेरिया पे आप, वो कहिए भैया आपको दूसरी चीज ढूंढनी है, हम दूसरी चीज ढूंढने निकले हैं, तो एक क्राइटेरिया पे कैसे जज किया जा सकता है, हम आपके क्राइटेरिया के सापेक्ष हमारे पास नए क्राइटेरिया, आप उससे देखिए। तो ट्रस्टवर्दीनेस तक तो बात हो गई थी, क्रेडिबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी तब भी आलोचना हो रही थी, तो ये पांचवा एक्सटेंशन ट्रस्टवर्दीनेस का जोड़ा है लिंकन गुबा ने, जिसको कि ऑथेंटिसिटी नाम दिया गया है, कि कितना प्रामाणिक है, कितना आप जो जिन पर स्टडी कर रहे हैं वो क्या कोई एक्शन भी ले पा रहे हैं, कोई क्या कोई एम्पावरमेंट हो रहा है, इथिकल इश्यूज को कितना ध्यान में रखा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च करते समय, ये सारी बातें हैं। और ऑथेंटिसिटी के भी डायमेंशन बता दिए गए, अब तो फेयरनेस है, ऑन्टोलॉजिकल है, एजुकेटिव है, कैटालिटिक है, टैक्टिकल है ना। तो ये सारा है, तो लिखने के लिए समझने के लिए आपके पास पर्याप्त मैटर हो गया आई थिंक नाउ, है ना। So in this way, I have completed through two basic criteria of qualitative research. First one is reflexivity and second one is authenticity. Okay? So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.